ओम नमो पंचांगुली महादेवी श्री सिमंदर शासनी अधिष्ठात्री करस्यासो शक्तिशी चिदशेषितु। यानी कि पंचांगुली देवी एक ऐसी देवी मानी जाती है जो कि अपने साधक को, यानी कि जो उसका उपासक होता है पंचांगुली देवी का, उसको एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देती है जिससे कि व्यक्ति अंतर्यामी बनने का स्वामित्व हासिल कर लेता है। यानी कि वो व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालों का ज्ञाता बन जाता है। होने वाली घटना या हो चुकी घटना या वर्तमानीय घटना, तीनों के बारे में उस व्यक्ति को पता चल जाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता वो व्यक्ति हो जाता है जो कि इस पंचांगुली की सिद्धि हासिल कर लेता है। पंचांगुली देवी का स्थान हमारे हस्त के मध्य में माना गया है और इसकी साधना हस्त नक्षत्र से, पूर्णमासी से और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ की जा सकती है या किसी विशेष दिन गुरु पुष्य, रवि पुष्य या ग्रहण आदि काल में या अक्षय तृतीया के दिन भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है। इसकी साधना का नियम यह है कि जो इसका साधक होता है, जो रात्रि काल में इसका जप करता है और प्रातः काल जब वह अपने निंद्रा से उठता है, जागता है, तो उसके पश्चात वह इस मंत्र को 21 बार बोल करके अपने हाथों पर फूंक मारता है और अपने शरीर को स्पर्श करता है, मस्तिष्क लेकर के चरणों तक अपने हाथों को स्पर्श करता है और इस प्रकार से इस दिनचर्या को काफ़ी दिनों तक वो जारी रखता है, जब कहीं जा करके ये मंत्र सिद्ध होता है। इस मंत्र का सिद्धि का भान इस प्रकार से लगाया जाता है कि पूर्वाभास का सबसे पहले जो सिद्धि मिलती है इस मंत्र से, वो मिलती है पूर्वाभास की। यानी कि पूर्वाभास पंचांगुली सिद्धि की पहली श्रेणी है। यानी कि होने वाली घटना का स्वप्न के द्वारा, निंद्रा के अंदर, स्वप्नावस्था के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं उस व्यक्ति को मालूम पड़ने लग जाती है जो कि आने वाले दिनों में घटित हो जाती है। या कुछ क्षण पहले ही मान लीजिए कि वह व्यक्ति रास्ते में कहीं जा रहा है और उसे एक सामने से कोई गाड़ी निकलती हुई नजर आ रही है। अचानक से उस व्यक्ति के मन में ऐसा ख्याल आता है कि गाड़ी यहाँ से टकरा जाएगी, तो हकीकत में होता यूँ है कि वो गाड़ी टकरा ही जाती है। इसे कहते हैं पूर्वाभास। ये अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरह की घटनाएँ होती है। मैंने एक आपको उदाहरण दिया है। तो सबसे पहले जो शक्ति मिलती है इस मंत्र के जागते जागते जो होती है पूर्वाभास की, उसके पश्चात में धीरे धीरे जैसे जैसे साधक इसका मंत्र जब करता रहता है तो भूतकाल का ज्ञान पहले उसको होने लगता है, बीता हुआ कल का ज्ञान उस व्यक्ति को होने लगता है। यानी कि किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति उसके सामने आया है, तो उसकी हो चुकी वृतांत जानकारी उस व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगी। मान लीजिए कि उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटी थी या उसे कोई प्रकार के कोई चोट लगी थी या उसका कोई बीमारी का ऑपरेशन हुआ है या फिर उसके घर में कोई ऐसी घटना घटी थी, तो ऐसी घटना का ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है अगर वो व्यक्ति उसके सामने है। और पंचांगुली सिद्धि करने वाला व्यक्ति के सामने वो व्यक्ति है तो उसकी वर्तमान जानकारी का भूतकाल उस व्यक्ति को ज्ञात होने लग जाएगा। उसके पश्चात तीसरी जो बात होती है, तीसरी जो श्रेणी है इसकी, तीसरी श्रेणी वो आती है जिसके अंदर, तीसरी श्रेणी के अंदर व्यक्ति को जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है वर्तमान काल। इसके अंतर्गत वर्तमान काल जो व्यक्ति का चल रहा है उसका ध्यान उस व्यक्ति को लग जाता है। यानी कि तृतीय श्रेणी जब, तृतीय सिद्धि जब हासिल होती है इसका मंत्र जब करते करते पंचांगुली का, तो उस समय व्यक्ति को एक ऐसी ताकत मिलती है जिसकी वजह से वर्तमान काल की जो जानकारी व्यक्ति की है, यानी कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है और आप पंचांगुली का मंत्र जप काफ़ी दिन से कर रहे हैं, तो तृतीय श्रेणी उसका जो तीसरा स्टेप होगा उसके अंदर आपको उस व्यक्ति का वर्तमान काल का ज्ञान हो जाएगा। यानी कि जो चल रहा है उसके साथ क्या चल रहा है, वो भी कहाँ काम करता है, क्या काम करता है और कार्य में बाधा आ रही है, क्या बाधा आ रही है, घर में रुकावट है, घर में क्लेश है, इसका कारण क्या है, तो इन बातों का ज्ञात उस व्यक्ति को लग जाता है। उसके पश्चात चतुर्थ श्रेणी जब व्यक्ति की आती है पंचांगुली साधना में,
तो वो व्यक्ति जो कि सबसे बड़ी ताकत उसको हासिल होती है वो साधना के अंतिम दिनों में होती है, यानी कि भविष्य काल का ज्ञान हो जाना, यानी कि जो होने वाला हो, यानी कि उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगेगी या ना लगेगी, उस व्यक्ति की शादी फलाना व्यक्ति से होगी या नहीं होगी, इसका ये काम होगा कि नहीं होगा, ये रोग इसका ठीक होगा कि नहीं होगा, मकान बनेगा या नहीं बनेगा, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, हर प्रकार की काफ़ी हजारों ऐसी समस्याएं होती है। तो उस व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी जब उसको सिद्धि हासिल होती है चौथे स्टेज की, तो उस समय भविष्यकाल की सिद्धि व्यक्ति को हासिल हो जाती है। ये साधना के अंतिम दिनों में होती है और साधना का काल वैसे तो एक मास का कहा गया है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है, डेढ़ दो महीने ढाई महीने का भी समय पूर्ण सिद्धि हासिल करने में लग जाता है। तो इसलिए निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए और रात्रि काल में जप करना चाहिए, और अगर प्रातः भी समय मिल पड़े तो प्रातःकाल ब्रह्म वेला में भी एक माला अवश्य ही कर लेनी चाहिए, रात्रि काल में दो माला इसकी अवश्य करनी चाहिए, शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए साधना काल में, और पंचांगुली का यंत्र जो होता है उसे अपने सम्मुख आँखों के सीध में रखना चाहिए, और इसके लिए आप किसी स्टूल या टेबल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि पंचांगुली देवी का यंत्र नीचे नहीं रखा जा सकता है, उसे अपनी आँखों के सामने यानी कि अपने मन मस्तिष्क आज्ञा चक्र के सामने वो होना चाहिए। उसके पश्चात उसका पंचोपचार पूजन करके हस्त नक्षत्र के दिन या फिर किसी अच्छे दिन आप ये साधना आरम्भ करें और निरंतर अभ्यास जारी रखें, और जैसे जैसे अभ्यास चलता जाएगा वैसे वैसे जो जो बातें मैंने आपको बताई है, जो क्रम के अनुसार यह सिद्धि हासिल होती है, पंचांगुली सिद्धि एक साथ हासिल नहीं होती है, इसमें सबसे पहला स्टेज जो होता है जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद में उसका अगला क्रम होता है, उसके बाद में अगला क्रम, और आखिर में जाके भविष्य काल का ज्ञान व्यक्ति को होने लग जाता है। इस प्रकार से पूर्ण सिद्धि व्यक्ति को इस प्रकार से हासिल होती है, और पंचांगुली देवी का ध्यान करने के पश्चात में इसके मंत्र का जप करना चाहिए। पंचांगुली देवी का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परसरी परसरी माता मंगल वशकरणी लोहमय दंडमयी श्री चौसर काम विहंडणी ऋण मध्ये राहुल मध्ये शत्रु मध्ये दिवान मध्ये भूत मध्ये प्रेत मध्ये पिशाच मध्ये चोटी मध्ये डाकिनी मध्ये शंकिनी मध्ये यक्षिणी मध्ये द्वेषिनी मध्ये शोकिनी मध्ये गुण मध्ये गारुड़ी मध्ये विनारी मध्ये दोष मध्ये दोषा शरण मध्ये दुष्ट मध्ये बुरो जो कोई करावे जड़े जड़ावे तत चिंते चिंतावे तस माथे श्री माता श्री पंचांगुली देवी तनो वज्र निर्धार पड़े ओम ठम ठम स्वाहा। यह पंचांगुली का मंत्र मैंने आपको स्पष्ट वाक्यों में बता दिया है, और इसका अवश्य ही अगर आप निरंतर जप करेंगे और मन में दृढ़ संकल्प दृढ़ विश्वास लेकर के और अपने गुरु से यंत्र लेकर के करेंगे तो अवश्य ही यह सिद्धि आपको हासिल होगी। और इस बात का ध्यान रहे कि सिद्धियों का दुरुपयोग जो व्यक्ति करता है तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। और दूसरा इसका नियम यह है कि इस विद्या को गुप्त रखा जाना चाहिए, साधना एकांत कक्ष में करें, साधना के बारे में किसी को बताएं नहीं, साधना का अनुभव किसी को ना बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को सिद्धि हासिल होती है तो अगर वो किसी को बता देता है कि मुझे सिद्धि हासिल है तो बार बार बेहूदा तरह के सवाल लोग किया करते हैं, इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, कभी कोई हाथ की तस्वीर भेज देता है। तो इस प्रकार से ऐसा ढकोलसा नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप से साधना करनी चाहिए और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अपनी सिद्धि का प्रयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की और अपना काम करना चाहिए। ज्योतिषियों के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धि मानी गई है, पंडित जनों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि मानी गई है, और भी काफ़ी लोगों के जिज्ञासु लोग होते हैं जो कि विद्या को हासिल करना चाहते हैं तो वो भी इस साधना को कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, इसमें उम्र का भी तकाजा नहीं है, कोई भी उम्र का व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर सकता है और निरंतर अभ्यास से सिद्धि अवश्य मिलती है। और एकांत स्थान उत्तर दिशा, सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र एवं सिद्ध यंत्र पंचांगुली का, ये इसकी सामग्री होती है और ये ज़रूरतें हैं। इसमें धूप लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है, सिर्फ गाय के घी का दीपक इसमें ज़रूरी है जो कि आपको बाज़ार में मिल जाएगा। धन्यवाद।